नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ थर्टी सेंटीमीटर हैविंग अ मास ऑफ थ्री के जी द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय कॉन्स्टेंट फोर्सेज ऑफ ट्वेंटी न्यूटन एंड थर्टी टू न्यूटन सवाल है फाइंड द फोर्स एक्जटेड बाय द ट्वेंटी सेंटीमीटर पार्ट ऑन द रॉड ट्वेंटी सेंटीमीटर पार्ट ऑफ द रॉड ऑन द टेन सेंटीमीटर पार्ट ऑल द सर्फेसिज आर स्मूथ एंड स्ट्रिंग एंड द पुलिस आर लाइट ठीक है सो सिंपल सवाल सो so स्नैरियो ये है कि यह आपका एक ब्लॉक है या रॉड है उसको आपने ऐसे रखा हुआ है और ये आपकी आ, ऐसे करके एक टेबल पे ऐसे रखा हुआ है आपने ये पुली बना दी हमने यह आपकी टेबल है और ऐसे करके आप इसको फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे फोर्स जो है वो आपका ट्वेंटी न्यूटन है और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है आपका वो 32 न्यूटन है और इसका टोटल मास जो है वो 3 के है ये लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये वाला जो पार्ट है आपका 20 सेंटीमीटर है हमें बताना है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होएगा नाउ टोटल अगर थ्री के है और ये वन स्टो टू के रेशो में डिवाइडेड है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मास हो गया वो हो जाएगा आपका वन के और इसका मास हो जाएगा आपका टू के जी वो उसकी डबल लेंथ है तो उसका मास उससे डबल होएगा सो ये आपके मासेज आ गए यहाँ पे ठीक है सो अगर इस पूरे ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखें सो इसका अगर एफ बी बनाएं तो इस एफ़ बी में अच्छा नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा वो मोशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं सो न बनाने का कोई पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपका 32 न्यूटन इधर फोर्स है दूसरा फोर्स आपका 20 न्यूटन का फोर्स है उधर आपका मान लीजिए ए एक्सेलेशन है सो so इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं 32 टू माइनस ट्वेंटी विल बी इक्वल टू थ्री ए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है एफनेट इज इक्वल टू एम ए सो मास इसका 3 के है विच एम्प्लाइज आपका एक्सेलेशन जो आ गया वो हो गया थर्टी टू माइनस ट्वेंटी इज ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री यानी कि फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो आपकी uh, जो रॉड है वो फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सलेशन से जा रही है ना अब अगर इस वन के ब्लॉक का अगर हम इसका एफ बी तो इसका एफ बी ये है कि इसके ऊपर इधर तो ये वाला पोलिंग फोर्स इधर लग रहा है जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ये वाला फोर्स 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इसका मास है 1 के और ये एक्सलेशन से इधर जा रहा है तो ए आपका ऑलरेडी आ चुका है सो so, इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आ गया एफ माइनस ट्वेंटी विल बी इक्वल टू वन ए विच एम्प्लाइज एफ विल बी इक्वल टू ट्वेंटी प्लस वन ए की वैल्यू ऑलरेडी चार आ चुकी है सो दैट विल बी इक्वल टू एफ विल भी इक्वल टू ट्वेंटी फोर न्यूटन सो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा चौबीस न्यूटन